हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। और फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी सीखी, विलियम शेक्सपियर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पॉइंट वाइज यहाँ सारी चीजें मिलेंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा, यानी शेक्सपियर इजीएस्ट वे में आपको यहां मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर पर जो बुक्स रही हैं, डिफरेंट बुक्स रही हैं, वो बुक्स कौन कौन सी रही हैं और उन पर उनके जो ऑथर्स हैं वो कौन कौन हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअल में देखिए, शेक्सपियर पर अगर बुक्स की बात करें तो लाखों बुक्स विलियम शेक्सपियर पर लिखी जा चुकी हैं और अभी भी लिखी जा रही हैं, लेकिन हमें उनसे ज्यादा मतलब नहीं है। हम तो यहाँ अपने एग्जाम भर के लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हम लर्न करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेमलेट एंड ईडिपस। एक टाइटल रहा है, एक बुक रही है हेमलेट। ईडिपस फ्रेंड्स, जो हेमलेट एंड ईडिपस है, ये जो बुक रही है फ्रेंड्स, ये अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा लिखी गई। अर्नेस्ट जोन्स। इसके बाद फ्रेंड्स एक हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स भी बुक रही है, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और ये एक्चुअल में एक ऐसे रहा है फ्रेंड्स, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और ये किसने लिखा? ये लिखा फ्रेंड्स टीएस इलियट ने। इसके बाद फ्रेंड्स द कैट एंड शेक्सपियर, द कैट एंड शेक्सपियर एक कॉमेडी रही है वो राजा राव के द्वारा। और ये जो कॉमेडी है ये क्या है फ्रेंड्स? अ मेटाफिजिकल कॉमेडी बाय राजा राव। राजा राव फ्रेंड्स एक इंडियन राइटर रहे हैं, राजा राव। तो राजा राव ने लिखी, मेटाफिजिकल कॉमेडी लिखी और उसको नाम दे दिया द कैट एंड शेक्सपियर। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, यानी ये इसके ऑथर रहे हेजलिट। चलिए पहले टाइटल लिख देता हूं मैं, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज। हेजलिट। और ये फ्रेंड्स हेजलिट का एक क्रिटिकल वर्क रहा है। इनमें उन्होंने जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं उनमें से जो इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको लिया है और उनको एनालाइज किया है। क्लियर फ्रेंड्स? शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स फ्रेंड्स, ये क्रिटिकल एसे रहा है। और क्रिटिकल एसे किसके द्वारा लिखा गया है? ये वाल्टर पैटर के द्वारा लिखा गया है। इसमें से फ्रेंड्स मैं केवल आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शेक्सपियर से, केवल वो ही मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ। तो ये जो लिस्ट आपको दी जा रही है, इसको भी आप, मैं होप करता हूं कि आप ढंग से इसको लर्न कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ऑन नोकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ऑन नोकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। ये बुक जो लिखी गई है फ्रेंड्स, जो लिखी गई है टॉमस डी क्विंसी के द्वारा। क्लियर
थॉमस डी क्विंसी। क्लियर? तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसर्स, एक क्रिटिकल वर्क रहा है फ्रेंड्स, और ये रहा है फ्रेडरिक बॉस का। फ्रेडरिक बॉस का बात कही है फ्रेंड्स। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट बड़ी फेमस बुक रही है, और ये किसकी रही है फ्रेंड्स? डाउडन की। ये प्रोफेसर डाउडन रहे हैं फ्रेंड्स। और डाउडन ने जो विलियम शेक्सपियर की लाइफ है, एंटायर जो इनकी इनके जो वर्क्स हैं, इनकी जो लाइफ है, लिटरेरी लाइफ है, उसको इन्होंने 4 पार्ट्स में बांटा है, और वो प्रोफेसर डाउडन ने ही बांटा, और जो इनकी जो ये बुक रही है शेक्सपियर इज माइंड एंड आर्ट, इसमें उन्होंने बांटा। कौन से 4 पार्ट थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट, शेक्सपियर एज आ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये आर जी माउल्टन रहे हैं फ्रेंड्स, एक राइटर, उनकी लिखी है, आर जी माउल्टन। और ये जो आई है लगभग 1884 या 1885 के आसपास ये बुक आई है। क्लियर? तो यहाँ एक्चुअल में इनके सन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, कब पब्लिश हुई कब नहीं, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन चूंकि शेक्सपियर के ऊपर है इसलिए हम पूछा जा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी लिखी ये एसी ब्रडली ने लिखी, और ये लिखी फ्रेंड्स 1904 में, यानी 1904 में एसी ब्रेडली ने लिखी। चूंकि यहां सन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के नाम से एक दूसरी बुक भी लिखी गई है। क्लियर? और वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी टाइटल दो वहां आए थे, और वो थे H.B. चार्ल्टन के, चार्ल्टन ने भी यहाँ वहां लिखी थी, तो इसलिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यहाँ आप याद कर लें कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में आई, बाद में एसी ब्रडली ने लिखी, लेकिन इससे पहले अगर सॉरी इसके बाद अगर हम बात करें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक 1948 में आई, चलिए उसको भी मैं यही साथ साथ लिख देता हूँ। यानी 1948 में आई, और फ्रेंड्स ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये किसने लिखी? ये लिखी H.B. चार्ल्टन ने। बात क्लियर है? और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के साथ साथ शेक्सपियरियन कॉमेडी भी इन्होंने लिखी। शेक्सपियरियन कॉमेडी वो इससे 10 साल पहले इन्होंने लिखी थी। वो 1938 में ये बुक आई थी, और ये भी फ्रेंड्स H.B. चार्ल्टन के द्वारा लिखी गई। बात क्लियर है? मजा आ रहा है पढ़ने में फ्रेंड्स। देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामास, एक टाइटल रहा है फ्रेंड्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामास।
क्लियर। ये रॉबर्ट ब्रीजेस रहे हैं, रॉबर्ट ब्रीजेस का ये वर्क रहा है फ्रेंड्स, रॉबर्ट। और रॉबर्ट ब्रीजेस के नाम बता दूं मैं आपको एक बार, रॉबर्ट ब्रीजेस जो है ये इंटर में एक पोयम लगी है जो नाइटिंगेल्स उसका टाइटल है, उसके ऑथर रहे हैं। और रॉबर्ट ब्रीजेस ये एक पोएट लॉरेट भी रहे हैं फ्रेंड्स। मेरे एक फ्रेंड जब एग्जाम दे रहे थे तो वो इसको इसको गलत कराए थे कि नाइटिंगेल्स के ऑथर कौन है। कौन है फ्रेंड्स? रॉबर्ट ब्रीजेस हैं। क्लियर। तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। तो ये जो टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामास। क्लियर है बात? अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, मिस एडिथ सिटवल का यह वर्क रहा है, अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर पर एक नोटबुक ये टाइटल रहा है, और ये मिस एडिथ सिटवल मिस एडिथ सिटवल का ये वर्क रहा है। क्लियर। अ क्राउन ऑफ लाइफ, बड़ी फेमस बुक रही है विल्सन नाइट की, अ क्राउन ऑफ लाइफ। क्लियर। और ये भी फ्रेंड्स जो टाइटल आपको लग रहा है कि शेक्सपियर पे नहीं है, लेकिन ये बुक भी शेक्सपियर पे लिखी गई है, विल्सन नाइट। और ये 1947 के आसपास ये बुक लिखी गई थी, द क्राउन, एक अ क्राउन ऑफ लाइफ। क्लियर। द व्हील ऑफ फायर, ये भी विल्सन नाइट ने लिखी फ्रेंड्स, द व्हील ऑफ फायर। क्लियर है बात? ये भी विल्सन नाइट ने ही लिखी। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, ये एक कलेक्शन रहा है लेक्चर्स का। ये जो लेक्चर्स ऑन पोएट्री रहे हैं फ्रेंड्स, ये एसी ब्रेडली के रहे हैं, हालांकि ये बुक शेक्सपियर पे नहीं है। क्लियर। पोएट्री पे लेक्चर्स रहे इनके। एक फ्रेंड्स जो इनके बायोग्राफर थे निकोलस रोव, निकोलस रोव ने इनपे जो एक इनकी बायोग्राफी लिखी है, और जो उसका टाइटल रहा है वो रहा है फ्रेंड्स सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। सम अकाउंट्स ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्लियर फ्रेंड्स। और ये किसके द्वारा लिखी गई? निकोलस रो। फ्रेंड्स बहुत सारी बुक्स शेक्सपियर पे हो गई हैं, ये लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्ट तो होंगी, लेकिन इनको लर्न जरूर आप कर लें। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, इसमें टाइटल ही आपको दिख रहा है फूल्स, जो शेक्सपियर ने डिफरेंट फूल्स यूज किए, डिफरेंट फूल्स दिए उन्होंने, वो यहाँ इस बुक में इन्होंने डिस्कस किए हैं। ये है फ्रेंड्स वाल्ड फ्रेडरिक, वाल्ड फ्रेडरिक ने ये बुक लिखी। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये तो शेक्सपियर पर डिफरेंट बुक्स थी जो हमने यहाँ डिस्कस की, और डिस्कस किया फ्रेंड्स उनका टाइटल और ऑथर को हमने यहाँ डिस्कस किया। तो चलिए नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर का जो लंदन स्टे रहा है, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि वो लंदन कब गए। फ्रेंड्स देखिए कब गए ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कभी कभी जो
क्यों गए? ये बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। कुछ कहते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फादर को घाटा हो गया, क्योंकि फादर जॉन शेक्सपियर बिजनेसमैन थे, तो उससे घाटे से उबरने के लिए वो वहां काम करने के लिए, काम की तलाश में वहां वो लंदन गए। लेकिन एक दूसरी थियरी चलती है कि जो एक विलियम जो ल्यूसी है, विलियम ल्यूसी के पार्क में ये जो उसके मीन्स एरिया में क्या कर रहे थे, पोचिंग कर रहे थे, इलीगल पोचिंग मीन्स इलीगल हंटिंग डियर की कर रहे थे, और उससे बचने के लिए लंदन चले गए थे। क्लियर? तो अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जो लंदन गए, लंदन का स्टे इनका कब से कब तक रहा? और इसमें भी फ्रेंड्स देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ मैं जो डेट्स आपको दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक डेट्स हैं। वो सारी डेट्स ज्यादातर आपको WJ लॉन्ग जो एक बुक रही है हिस्ट्री की, उससे दे रहा हूँ। इधर उधर से ये जो बुक्स मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो डॉक्टर रंजीत हो, प्रकाश हो, कुछ भी हो, XYZ, इनकी डेट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते। और अगर आप कोई डेट लर्न कर रहे हैं तो उसको पहले बिल्कुल कंफर्म जरूर कर लें, वरना आप पता लगा डेट कोई लर्न कर ली, पता लगा वो गलत है, फिर आप वो फिर दोबारा वो कंफ्यूज कर देती है आपको। तो डेट्स पे बड़ा ध्यान दें। तो मैं यहाँ आपको ऑथेंटिक डेट्स ही दे रहा हूँ। देखिए, शेक्सपियर स्टे इन लंडन, ये कब से कब तक रहा है शेक्सपियर का स्टे? चलिए इसको मैं इजी टर्म्स में बता दूं आपको। देखिए शेक्सपियर की बर्थ कब है फ्रेंड्स? 1564 में। क्लियर? 1564 में पैदा हुए। डेथ कब थी फ्रेंड्स? 1616 में। यहां डेथ थी, डेट सेम थी 23 अप्रैल, और यहां भी 23 अप्रैल थी। फ्रेंड्स ये जो लंदन में रहे हैं, ये शादी के 5 साल बाद लंदन चले गए और मरने से 5 साल पहले घर आ गए, यानी स्टेटफोर्ड आ गए। क्लियर? गांव इनका स्टेटफोर्ड था, स्टेटफोर्ड वार्विकशायर में है। तो लंदन कब गए? शादी के 5 साल बाद। और घर कब वापस आ गए? शादी से 5 साल, सॉरी डेथ से 5 साल पहले। तो शादी कब हुई इनकी? 1582, 1582 में शादी हुई। शादी के 5 साल बाद कब गए फ्रेंड्स? लंदन 1587 में। और 5 साल पहले आ गए, यानी घर कब आ गए ये? 1611 में। क्लियर? तो इनका ये जो ड्यूरेशन रहा है 1587 से लेके 1611 तक, ये इनका जो लंदन में स्टे रहा है। क्लियर हो गया? देखिए एक क्वेश्चन से आपको चार क्वेश्चन, चार डेट याद हो गई है, बर्थ, मैरिज, लंदन स्टे 87 से लेके 1611 तक, और डेथ। ये सन मत याद कीजिएगा, बस ये याद करिएगा कि लंदन स्टे शादी से 5 साल बाद और से लेकर और डेथ से 5 साल पहले तक। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? चलिए अब कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ हमारा इंडियन सिनेमा रहा है उसमें कुछ मूवीज रही हैं, मूवीज ऑन विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर पर कौन कौन सी मूवीज रही हैं? क्वेश्चन आ सकता है, तो और नहीं भी आए तो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें फ्रेंड सबसे पहले एक मूवी रही है अंगूर, और ये जो मूवी है संजीव कुमार इसमें एक्टर थे, ये रही है फ्रेंड्स कॉमेडी ऑफ एरर पे, कॉमेडी ऑफ एरर्स पे ये मूवी रही है अंगूर। इसके अलावा एक ओमकार आई थी, और ओमकारा किस पे थी फ्रेंड्स? ये थी ओथेलो बेबीज। इसके बाद एक मूवी आई सौदागर, और जो सौदागर, मैं यहां बाद से मतलब मेरा यहां ये नहीं है, आप इसको टाइमलाइन से जोड़ दें, सौदागर तो बहुत पहले आई थी। और ये किसकी मूवी थी? ये जो हमारे दिलीप साहब हैं, दिलीप कुमार की ये मूवी थी सौदागर, बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी रही है। यहाँ से एक बड़ा एक फेमस सॉन्ग चला था, ईदू ईदू, याद आ गया होगा आपको। क्लियर? क्योंकि ज्यादातर आप उसी जमाने के होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। चलिए तो ये सौदागर रही है फ्रेंड्स, सौदागर ये रही है किस पे रही है? रोमियो एंड जूलियट पे बेस रही है। एक मूवी आई थी फ्रेंड्स मकबूल, और मकबूल बड़ा फेमस करेक्टर रहा है, अभी हाल में सीरीज आई थी
मिर्जापुर पार्ट टू और वन, उसमें मकबूल बड़ा फेमस कैरेक्टर रहा है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यहाँ मकबूल उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मकबूल मूवी की बात कर रहे हैं जो मैकबेथ पे बनी हुई थी। और एक और आई थी फ्रेंड्स हैदर, और हैदर ये शाहिद कपूर की थी। तो ये किस पे है फ्रेंड्स? हैमलेट पे है, क्लियर। तो अब आपको कमेंट करके आज मुझे ये बताना है, आपका क्वेश्चन ये है कि इनमें से आपने कौन कौन सी मूवी देखी है, अंगूर, सौदागर, ओंकारा, सौदागर, मकबूल और हैदर में से। ये पांच मूवी हो गई है जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज पर हैं फ्रेंड्स। ये तो मुझे याद आई, मैंने लिख दी। इसके अलावा भी बहुत सारी और हो सकती है, अगर आपको ऐसी ही कोई पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता लग जाए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम प्रोफेसर, जो प्रोफेसर डाउडन थे, डाउडन ने विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है उसको बांटा है, और कौन सी बुक में बांटा है फ्रेंड्स? मैंने अभी पीछे आपको बताया था, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डाउडन ने यहाँ लिटरेरी करियर बांटा है वो किस किस नाम से बांटा है और कौन कौन से सन है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से चलिए क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल आप बहुत जल्दी ही आप समझ जाएंगे, और वैसे रटेंगे तो समझ नहीं आएगा। प्रोफेसर डाउडन, इन्होंने टोटल जो इयर्स लिए वो 24 इयर्स का स्पेन था, यानी 24 साल विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है वो रहा है। कितना फ्रेंड्स? 24 इयर्स, क्लियर। और इन 24 सालों को कैसे बांटा? देखिए ये एक टाइमलाइन है हमारे पास, ये 24 साल का टाइम है हमारे पास। एक यहां बीच में इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, 12 साल का इधर और 12 का इधर। एनी डाउट? नो डाउट। अब ये सन कौन कौन से हैं? यहां आप बीच में 1600 लिख दीजिएगा, 1600। अब इसमें 12 साल जोड़ दीजिए, 1612, और 12 साल घटा दीजिए यानी 1588। तो शेक्सपियर का लिटरेरी करियर कितने साल का रहा है? 24 इयर्स का, यानी 1588 से लेके 1612, 1600। इसमें 12 साल इधर और 12 साल इधर, क्लियर। अब ये तो 4 पार्ट्स में बांटा, लेकिन हमने तो अभी 2 पार्ट्स बांटे हैं, तो चलिए बाकी भी बांटते हैं। अब ये जो 12 इयर्स रहे हैं, यहां ये रहे हैं 6 इयर्स, यहां 6 इयर्स, यहां, यानी 1600 से 6 घटा लीजिए या इसमें 6 जोड़ दीजिए तो ये हो गए 1594, यानी एक पीरियड हुआ 1588 से 1594 तक, दूसरा हुआ 1594 से 1600 तक। अब जो उधर का पीरियड रहा है इसको जो बांटा है उन्होंने, यहां तो 6 6 हो गया, यहां उन्होंने बांटा 8 + 4, ये 8 साल, और + 4 साल यानी 1608, और लास्ट पीरियड रहा है 1612 तक। बात क्लियर हुई? अब ये जो 6 इयर्स का स्पेन रहा, ये 6 का रहा, ये 8 का रहा, और ये 4 का रहा। तो 6 6 12, और 8 और 4 12, 12 और 12 हो गए 24 इयर्स, ये शेक्सपियर के बाद। क्लियर, सन याद करने की जरूरत नहीं है, सारे याद हो गए, फ्लो चार्ट बन गया, सब याद हो गए। अब बात आती है कि इनको नाम क्या दिया। सबसे पहला जो पीरियड था ये वाला फर्स्ट पीरियड, यानी 1588 से लेके 1594 तक, ये फर्स्ट पीरियड रहा है, ये सेकंड पीरियड रहा है, ये थर्ड पीरियड रहा है, और ये आपका फोर्थ पीरियड रहा है। तो फर्स्ट पीरियड को जो नाम दिया वो दिया इन द वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप में, पहला नाम। दूसरे पीरियड को, यानी इस वाले को 1594 से लेके 1600, इसको नाम दिया इन द वर्ल्ड, यानी संसार में। जो थर्ड पीरियड रहा है, यानी थर्ड रहा 1600 से लेके 1608 तक, इस थर्ड पीरियड को उन्होंने नाम दे दिया आउट ऑफ डेप्थ, क्लियर, यानी गहराई से बाहर। और जो लास्ट पीरियड है ये 1608 से लेके 1612 तक का फोर्थ पीरियड, इसको नाम दे दिया फ्रेंड्स ऑन द हाइट, ये स्पेस कम पड़ गया, यहां बड़ा कंजेस्टेड सा हो गया, लेकिन डजेंट पाइंड। तो
तो ये क्लियर हुए प्रोफेसर डाउडर ने जो इनकी लिटरेरी करियर बांटा 24 ईयर्स, यानी 1600 आपको याद रख लेना है, 16 से 12 लेस कर दीजिए, 12 आगे बढ़ा दीजिएगा, पहला पीरियड है 12 को, यानी 12 को 6-6 में बांट दीजिए, आगे है 12 को 8-4 में बांट दीजिए और सन उसी में एडजस्ट करके लिख दीजिएगा। क्लियर? इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बिल्कुल श्योर क्वेश्चन कोई ना कोई आ सकता है। अब बात कर लेते हैं विलियम जे लॉन्ग, डब्ल्यू जे लॉन्ग ने भी उनके लिटरेरी करियर को 4 पीरियड में बांटा है, विलियम जे लॉन्ग ने। क्लियर? तो इन 4 के हम केवल नाम याद कर लें, एक्चुअल में जो डाउडन के हैं, प्रोफेसर डाउडन के, वो तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां केवल नाम ही काफी है, विलियम जे लॉन्ग। विलियम शेक्सपियर लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट्स, और पहला पार्ट क्या है फ्रेंड्स, वो है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, यानी अर्ली एक्सपेरिमेंट जहां आदमी कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, वो स्टार्टिंग वाला पीरियड है, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सेकंड पीरियड रहा है, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है बात फ्रेंड्स? इसके बाद है अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, जो थर्ड फेज रही है इनकी, क्लियर, उसको क्या कहा जाता है, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। यानी डिप्रेशन जानते हैं अवसाद, और ग्लूम कहते हैं उदासी, उदासी और अवसाद का पीरियड। एक्चुअल में जो इनकी थर्ड फेज रही है ये ग्लूम और डिप्रेशन वाली, इसमें इन्होंने ज्यादातर जो इनकी फेमस ट्रेजडीज रही है, वर्ल्ड फेमस ट्रेजडीज, वो इसी थर्ड फेज में लिखी है इन्होंने। क्लियर? और फोर्थ फेज है इनका अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम। आफ्टर स्टॉर्म, कि जो तूफान के बाद शांति आती है, सेरेनिटी आती है, सेरेनिटी कहते हैं फ्रेंड शांति को, जो रिस्टोर्ड सेरेनिटी है मींस तूफान के बाद जो शांति आ गई है, वो ये पीरियड कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, हालांकि लेक्चर काफी लंदी हो रहा है, चलिए 2 मिनट और लूंगा बस आपकी। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं शेक्सपियर की जो वर्ल्ड फेमस ग्रेट ट्रेजडीज कही जाती हैं, शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजडीज कही जाती है, वहां उनमें 4 नाम आते हैं, मैकबेथ है, ओथेलो है, हेमलेट है और किंग लियर है। क्लियर? लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ बन पड़ता है कि उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहा है, सबसे पहले हेमलेट है या मैकबेथ है, कौन सी ट्रेजडी आई। चलिए इसकी ये शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फोर ग्रेट ट्रेजडीज ऑफ शेक्सपियर, इनका जो ऑर्डर, आप केवल ऑर्डर में ही इनको याद कीजिएगा, और ऑर्डर में याद कीजिएगा HOLM, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, हॉर्म, HOLM हॉर्म। और HOLM क्या है, इनकी जो ट्रेजडीज है उनका एक क्रम है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी पहले हेमलेट है, फिर ओथेलो है, फिर लियर है और फिर मैकबेथ है, HOLM। क्लियर? अब चलिए इसका सन भी याद कर लें, फिर 1601, 1456, ये तीनों एक एक साल के अंतर से आई, यानी 1601, 456 और HOLM। क्लियर?
ये है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए सन के क्रम में। अब अगर हम इनकी लाइन की भी बात कर लें कि ये जो चारों ट्रेस दिए इनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो उसका भी एक ऑर्डर मिल जाएगा आपको। यानी इसको आप पलट दें एच ओ एल एम को, तो आपको ऑर्डर मिल गया एम एल ओ एच। अब ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब लाइंस, ये जो ऑर्डर है आपको, ये जो मिल रहा है एम एल ओ एच, ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइंस, यानी लाइंस का बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा है। और अगर मैं कहूं इसमें फ्रेंड सबसे छोटी ट्रेजडी कौन सी है, तो लाइन का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी सबसे छोटी ट्रेजडी मैकबेथ, उससे बड़ी किंग लियर, उससे बड़ी ओथेलो, और सबसे बड़ी जो ट्रेजडी है वो कौन है, वो हेमलेट है। बात क्लियर हो गई है। यानी चारों ट्रेजडी का जो सन का ऑर्डर है एच ओ एल एम, इसको ही आप रिवर्स कर देते हैं तो इनकी जो लेंथ का ऑर्डर है वो बन जाता है, चारों ट्रेजडी में कौन छोटी है और कौन सी बड़ी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो लॉन्गेस्ट क्या हो गई है, हेमलेट। शॉर्टेस्ट क्या हो गई है, मैकबेथ। चलिए अब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा प्ले विलियम शेक्सपियर का जो है वो हेमलेट है, सबसे बड़ा प्ले है हेमलेट। और फ्रेंड्स हेमलेट की और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा कोटेशंस जो हमें मिलती हैं वो हेमलेट से मिलती है, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा कोटेशंस। और जब भी इन प्लेस को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि ये बस लाइफ, ये करेक्टर्स एक लिविंग करेक्टर्स हैं, फ्लैश और ब्लड के करेक्टर्स से हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे विलियम शेक्सपियर के करेक्टर्स कोई इमेजिनरी करेक्टर्स हो, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो हेमलेट क्या है, लॉन्गेस्ट प्ले। सबसे बड़ी ट्रेजडी तो है ही चारों में, लेकिन सबसे बड़ा प्ले भी है, और इसमें फ्रेंड्स 1404 लाइंस हैं। क्लियर? 1400, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये फ्रेंड्स 4000 लाइंस है, नॉट 1400। 1400 तो है ही नहीं इसमें, 4042 लाइंस, 4042 लाइंस हैं। और सबसे छोटा प्ले है फ्रेंड्स, वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें है फ्रेंड्स 1787 लाइंस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये है शॉर्टेस्ट प्ले, और कितनी लाइन है, 1787 लाइंस। बात क्लियर हो गई है? चलिए लॉन्गेस्ट प्ले पता लग गया आपको, शॉर्टेस्ट प्ले पता लग गया, और ट्रेजडी की हमने बात कर ली। चलिए फ्रेंड्स काफी कुछ हो गया, आई होप मजा आया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग को, एक नया डायमेंशन मिल रहा होगा, नई एनर्जी मिल रही होगी, साथ साथ नई नॉलेज मिल रही होगी, शेक्सपियर इजी बन रहा है आपके लिए। फ्रेंड्स कैसा फील कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? और चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विलियम शेक्सपियर पे, सीरीज लेंथी है लेकिन एंजॉय करते रहिए, कोशिश रहती है मेरी हर लेक्चर अबाउट 30 मिनट्स तक हो, ताकि आप भी बोर ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हाँ अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स, अब इतना अच्छा आपको क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है, तो फ्रेंड्स एक लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।